नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक बार फिर प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। और आज मैं बात करने वाला हूँ लूनर एक्लिप्स और सजिटेरियस राशि की। धनु राशि में चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, तो ये चंद्र ग्रहण धनु राशि के मित्रों के लिए क्या लेकर आएगा, एक छोटी सी झलक धनु लगन की, धनु राशि की, जिस समय ये ग्रहण होगा और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप देखें कि चंद्रमा आपकी राशि में जुपिटर और केतु के साथ है और अष्टमेश होकर बैठा हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि ये चंद्र ग्रहण बहुत कुछ अच्छा या शुभ नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो किस तरह से हम इसको लेंगे, इसको अब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं कह दूं आपको कि जब भी लग्नेश यानी कि राशिपति अष्टमेश के साथ दूषित हो और उसमें भी अष्टमेश चंद्रमा या सूर्य और ग्रहण कालिक हो, तो यह समस्या हेल्थ को लेकर होती है। तो इस समय जो मैं चीजें देख रहा हूं, तो धनु राशि के मित्रों को कहना चाहूंगा, सजिटेरियंस को कहना चाहूंगा कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और किसी भी तरह के आर्गुमेंट से आपको बचना है। इमोशनल हेल्थ जो है खास तौर पे उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है। आपको गुस्सा बहुत आ सकता है लेकिन आप उसके ऊपर पछतावा भी बहुत कर सकते हैं। वहीं चंद्रमा जो है अष्टम हैश और जो चेस्ट रीजन के ऊपर इसका काफी प्रभाव रहता है, तो जिन लोगों को भी चेस्ट से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, परमिशन काफी हार्ड है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, उन लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि ये चंद्र ग्रहण आपकी इस हेल्थ को जो काफी प्रभावित कर सकता है। अगर ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशन आपको है कि बार बार वॉशरूम यूज करने की आपको आदत है, तो इस समय के दौरान ये एंग्जाइटी लेवल बढ़ाएगा और आपको ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो सकती है। तो कुल मिला के ये चंद्र ग्रहण जो है सजिटेरियस राशि वालों के लिए कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा मैं एक और भी चीज कहना चाहूंगा जो दिखाई दे रही है कि जो चंद्रमा है अष्टम घर जो है 10th हाउस को बहुत बैडली प्रभावित करता है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आप किसी तरह से भी इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। सॉरी, 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में और 10th लॉर्ड का 10th हाउस का लॉर्ड भी जो है वो 7th में बैठा हुआ है। तो इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा कि ये स्थितियां आपकी पार्टनरशिप के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी कोई बुरा प्रभाव डाल सकती है। खास तौर पे उन लोगों को बहुत विशेष ध्यान देना होगा जिनके रिलेशनशिप में, मैरिटल लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेस है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चल रही है, तो ये चीजें कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाएं, इसलिए आपको बहुत संभल के चलना होगा। वहीं साथ ही साथ अगर हम देखें तो कुंडली में आपकी कोई जो पार्टनरशिप है उसकी कहीं से ऑफर, बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफर आपको आ सकती है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा देर तक टिके रहने की मुझे ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं देती है। तो मैं ये भी आपको कहूंगा कि कोई भी चीज अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा कोई प्रपोजल मिल चुका है, तो प्लीज बी केयरफुल। आप कोई भी चीज है उसको रिटर्न एक एग्रीमेंट में लें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, नहीं तो ये ग्रहण निश्चित तौर पे आपके पैसे को, आपकी मानसिक स्थिति को, आपके रिलेशनशिप को बुरी तरह से जो है अफेक्ट करने वाला, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं राशि में चंद्रमा का बैठना राशिपति के साथ, तो ये क्या करेगा, निश्चित तौर पे कुछ लोग बहुत धार्मिक और मंत्रों की पूजा पाठ की उनको बहुत रुचि होती है, तो दूसरी ओर जिनकी कुंडली में चंद्रमा बुरी स्थिति में नहीं है, तो उनको इस तरह के तीर्थस्थल करने का, इवन दो कोविड की सिचुएशन है इसी दौरान जो एक्लिप्स होने वाला, लेकिन फिर भी लोग रिस्क ले सकते हैं कि हमें कहीं मंदिर गुरुद्वारे में किसी धार्मिक स्थान पर जाके माथा टेकना है या किसी वो पूजा पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं, घर के अंदर ही किसी तरह का सत्संग जो है वो होने की संभावना जहां पर बनी हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो 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 तालमेल बना हुआ है इस समय कुंडली में, वो जो दिखा रहा है कि भाई आपको अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा ऐसा आपकी जीवन का एक पार्ट है जिसपे बहुत ज्यादा प्रभाव जो इस एक्लिप्स की वजह से पड़ने वाला है। तो एक बार फिर से कहूंगा कि बी केयरफुल, एक रैश डिसीजन जो है यानी कि जल्दबाजी में इमोशनल होके अपने सेंटिमेंट्स को आगे रख के अगर आप लेंगे, तो इसका खमियाजा जो है, इसका नुकसान जो है आपको भुगतना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत भी लूंगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहें। हर बुधवार,
हर संडे, हर वेनेसडे, हर फ्राइडे। जहां संडे और वेनेसडे आप मुझे 5 बजे ज्वाइन इन कर सकते हैं जेके एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, वहीं फ्राइडे आप मुझे ज्वाइन इन कर सकते हैं 12 बजे दोपहर के टाइम जेके एस्ट्रोलॉजी या MATV के माध्यम से। और मेरा और आपका साथ यूं ही चलता रहेगा, आपका सहयोग बना रहे, तो ये प्रोग्राम ऐसे ही आपकी सेवा में नए नए वीडियोज लेके आता रहेगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको नई नई वीडियो जो है, नई नई इन्फॉर्मेशन जो है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको मिलती रहे। यही कहता हुआ आपसे अब विदाई लूंगा और कहूंगा आपसे ऑल द बेस्ट। नमस्कार।